निकितन धीर और वसीम खान के बीच में कोई एक ऐसी कॉमन क्वालिटी जो आपको लगता है जिसके बारे में बता सके? आई थिंक अगर आप एज अ रोमांटिक लीड किसी फिल्म में अगर आप काम करना चाहें तो कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जिसके ऑपोजिट आप काम करना चाहें? रोमांस मेरा जोन है तो आई थिंक चेन्नई एक्सप्रेस में काम करते समय शाहरुख खान की कौन सी ऐसी बात थी जो आपको सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगी? As far as an actor is concerned, as far as how would you describe following people in one word? Karan Patel, Mahi Gill, Salman Khan, Kranti Prakash. Kranti Prakash, whenever I think of him. अगर आप किसी की बायोपिक में एक्ट करेंगे तो कौन सा ऐसा किरदार है जिसको आप निभाना चाहेंगे पर्दे? I think I would love to do a biopic on. Alright, so हम ये इंटरव्यू एंड करेंगे एक रैपिड फायर करके आप दोनों के साथ में. We'll start with Nikitan. Nikitan, रक्तांचल 2 के आपके किरदार के बारे में अगर आप हमें बताएं एक एक वर्ड या एक सेंटेंस में. I think Vaseem Khan जो है one word is fierce. Is that Vaseem Khan? अभी अगर पॉलिटिक्स में जाती तौर पे आपकी आपका इंटरेस्ट लेवल कितना है अगर हम कहें 1 to 5, 1 to 10 के बीच में? 1 लोएस्ट है, 10 हाईएस्ट? I think हर सिटीजन का लेवल होना चाहिए पॉलिटिक्स में, बिकॉज अल्टीमेटली दैट्स अ फंडामेंटल राइट टू वोट. सो यस, आई डू फॉलो करंट अफेयर्स, सो आई वुड से अराउंड 7. निकितन धीर और वसीम खान के बीच में कोई एक ऐसी कॉमन क्वालिटी जो आपको लगता है जिसके बारे में बता सके? नॉन डिप्लोमेटिक. कौन सा किरदार आपकी नजर में आता है, और ये जरूरी नहीं है जो आपने प्ले किया है, कोई भी जी. कौन सा किरदार आपके समझ में आता है व्हेन आई से द परफेक्ट एंटागनिस्ट? परफेक्ट एंटागनिस्ट फॉर मी इट्स ऑलवेज गोना बी गब्बर. Gabbar Singh, and why is that? Because whenever we started studying cinema and understanding, समझ में आया कि एक 3.5 घंटे की फिल्म में जो विलेन का फुटेज है वो सिर्फ 11 मिनट का था, और उस 11 मिनट में he's immortal forever in his first screen presence. So it hats off to the writers, hats off to everybody, and hats off to the actor to make Gabbar Singh immortal. Till today, he and Mugambo are the highest rated villains. So I think for me, it's Gabbar. अगर आप किसी की बायोपिक में एक्ट करेंगे तो कौन सा ऐसा किरदार है जिसको आप निभाना चाहेंगे पर्दे? आई थिंक आई वुड लव टू डू अ बायोपिक ऑन हरी सिंह नलवा. ऑन हरी सिंह नलवा, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल्स ऑफ इंडिया. ओके, अ बॉलीवुड डायरेक्टर जिसके साथ में आप काम करना चाहते हैं, उसके साथ में काम करे बगैर आप रिटायर नहीं होना चाहते? गॉड हैज बीन वेरी काइंड, आई हैव वर्क्ड विद अ लॉट ऑफ गुड डायरेक्टर्स. आउट ऑफ दिस, रोहित शेट्टी was one of my dream directors to work with, which I got a chance. I think another director I would love to associate myself with is Rajkumar Hirani. मुझे उनका style of direction बहुत अच्छा लगता है. अगर आप as a romantic lead किसी film में अगर आप काम करना चाहें तो कौन सी ऐसी actress है जिसके opposite आप काम करना चाहें? मुझे लगता नहीं कि romance मेरा zone है, तो I think उस बारे में जो चीज होगी नहीं उसके बारे में सोच के फायदा ही नहीं है. Hypothetically अगर हुआ तो? Hypothetically, so friend, I think for me, my most favorite heroine always has been Deepika only. So I think if it's ever, then I will always think of Meenamma only. She's all right. Chennai Express में काम करते समय शाहरुख खान की कौन सी ऐसी बात थी जो आपको सबसे ज़्यादा fascinating लगी? His inclusiveness as an actor और उनकी generosity जो है ना, I think is outstanding. आपको मतलब हम उनके सामने कुछ भी नहीं, आई एम लिटरली अ चाइल्ड एज फार एज एन एक्टर इज कंसर्न्ड, एज फार एज पर्सनैलिटी इज कंसर्न्ड, एवरीथिंग एज फार एज इन रिलेशन टू द फिल्म इंडस्ट्री एंड द वे ही द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट द काइंड ऑफ लव ही गिव, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट विल ऑलवेज बी विद मी. एंड हिज शियर ह्यूमिलिटी, जिसके बारे में आई थिंक आपने और मैंने पहले भी बात की है, इज जस्ट आउटस्टैंडिंग. सो इट इज जस्ट एक कोई चीज को कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हिज I would say inclusiveness, जब वो सेट पर आते हैं तो हर किरदार को उस सीन का पार्ट बनाते हुए उस सीन को कैसे उभारना है, I think that is one thing I really admire about him. आपकी कमाल की फिजिक का राज क्या है और आपकी डाइट क्या होती है डेली बेसिस पे? बचपन से ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो आई थिंक उसी की वजह से है, और मैं ज्यादा डाइट वाइट करता नहीं हूँ, तो मतलब घर का खाना खाता हूँ. आई डोंट फॉलो एनी फैट डाइट, आई थिंक दैट वर्क्स फॉर मी द बेस्ट. तो हाँ, बाकी आप क्रांति से पूछे, क्रांति का राज क्या है, वो इतना फिट कैसे? सोशल मीडिया के बारे में कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि जिसमें बदलाव आए? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया न्याय थी फेक है, और हर कोई इंसान इज पुटिंग द बेस्ट फुट फॉरवर्ड. बिना फिल्टर के कोई फोटो नहीं लगाता, बिना
मतलब nobody is ready to accept that they have imperfect lives and I think people are also that naive that they believe in the perfection of somebody else's life and I think things need to change. People need to be a little more real and talk from the heart and I think overall on social media people need to be kinder to each other. जो एक अजीब सा venom spew होता है हर छोटी चीज पे, I think people need to relax a little bit. Okay, how would you describe following people in one word? Karan Patel. Karan, he's a friend of mine. He's a friend. I know him since the longest time. Mahi Gill. Mahi Gill. Intense actor. Salman Khan. Salman Khan, bhai. Kranti Prakash. Kranti Prakash, whenever I think of him, I only hear the Godfather tune. Because ye bhai obsessed hai wo Godfather ki tune ke saath. So ye jahan baithe rehte hain wo Godfather ki tune aati rehti hai mujhe. So I think yeah, that's become his stamp for me. Complete the following sentences, please. If you loved Raktanchal 2, you'd love season 2 more because? Because it's in tow with everything jo aapne pehle dekha hai. We have taken aapke suggestions ko humne suna hai aur aap kya dekhna cha rahe the uske hisab se kahani ko bunte hue hum aage gaye hain. Yahi aasha hai ki aapko acha lage, to be very honest. Rest so is in your hands. My most favorite performance of mine is apart from Raktanchal. This is the beginning. I think lots to go. Main apne aap ko waise dekh nahi pata. When I meet girls, the first thing that they notice about me is if I'm wearing heels. If you're wearing heels. To make sure to you know they double check if I'm actually that tall. That's interesting.